स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो देखिए हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी में हम लोगों ने संधि में व्यंजन संधि के तीन नियमों को पढ़ लिया था, अब हम चौथे नियम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारी जो थी संधि, और संधि में हम लोगों की थी व्यंजन संधि। क्या थी? व्यंजन संधि। और देखिए व्यंजन संधि में तीन नियमों को हमने पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे चौथे नियम पर। और जिन लोगों ने व्यंजन संधि के अगर पिछले नियमों को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप उसको देख लेंगे। बाकी देखिए तो चौथा नियम हमारा क्या कहता है? चौथा नियम है हमारा तत्संबंधी नियम। कौन सा है साथियों? तत्संबंधी नियम, तत् से संबंधित है। देखिए तत् का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ता का मेल, देखिए ता का मेल यदि, ता का मेल यदि चा और छा के साथ होता है, या फिर ता का मेल जा और झा के साथ होता है, यदि ता का मेल टै और डै के साथ होता है, या फिर ता का मेल लै के साथ होता है। और ता का और भी नियम है, वो अलग से बताऊंगा। तो यहां पर यदि जब ताका मेल चा छा के साथ होता है तो तय परिवर्तित होता है। क्या तय हमारा किसमें परिवर्तित होता है? देखिए ताका मेल जब चा छा के साथ होता है तो इन अक्षरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन वर्णों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताका जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन हमारा होगा वो ताका होगा, और ता जो परिवर्तित होगा वो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? हमारा च हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? च। इसी तरह से जब ता का मेल जय और झसे होता है तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। ता का यानी कि ता परिवर्तित होगा, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ज्यों के त्यों बने रहेंगे। हमारा जो परिवर्तित होगा वो ता किसमें परिवर्तित होगा? छ छा से कोई आगे तो छ, और जा झा से कोई आगे तो जय। ऐसी ता का मेल जब टा से होगा तो टा की जगह, मतलब ता की जगह आधा ट, और डा की जगह आधा ट, और ले की जगह क्या हो जाएगा? मतलब ला से होगा तो आधा ले। तो यहां पर जब ताका मेल चा छा में से किसी एक से होगा तो छ, ताका मेल जा झा से होगा तो जय, ताका मेल टा से होगा तो ता की जगह ट, ताका मेल ढा से होगा तो टा की जगह डा की जगह ट, और ला से होगा तो क्या हो जाएगा? ले। क्लियर? तो अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पलों को। देखिए हम पहले चा का नियम लेते हैं। तो जैसे सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। तो देखिए ता का मेल जब चा से हो रहा है, किसका? तय का मेल जब चा से हो रहा है तो हमारा तय परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा? तय। जब तय परिवर्तित होगा, तय किसमें होगा? चय में। तो सत चरित्र कहने का मतलब है साथियों, इसको हम कैसे लिखेंगे? सत चरित्र। कैसे लिखेंगे? सत चरित्र। अब देखिए और लेते हैं जगत धन छाया। क्या लेते हैं हम साथियों? जगत धन छाया। तो देखिए तय का मेल जब छा से होगा तो तय किसमें परिवर्तित होगा? छा में। मैं इधर लिख लेता हूं। देखिए जगत धन छाया जब आया तो तय की जगह क्या होगा? छह, और जगत छाया हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा हमारा? जगत छाया। तो जब ता का मेल छा से हो रहा है तो तय, ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि तय परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा हमारा? तय परिवर्तित होगा। जैसे और लेता हूं एक एग्जाम्पल, उत धन चारण। क्या है? उत धन चारण। तो उत यानी कि उच्चारण, वर्ड क्या निकल कर आएगा साथियों? हमारा उच्चारण। क्लियर? अब हम अगले बात करेंगे किसकी? जा की। चलो तो देखिए अगला नियम लेते हैं हम जा का। जैसे अधिकांश वर्तनी में भी पूछा जाता है हमसे, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो देखिए ता का मेल जब जा से होगा तो किसमें परिवर्तित होगा? तय जा में चेंज हो जाएगा, यानी कि उज्ज्वल। हम इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा? देखिए उज्ज्वल, यानी कि दोनों जा क्या होते हैं हमारे? जैसे जगत धन जननी, जगत धन जननी। तो जगत जननी को हम क्या करेंगे? देखिए जगत ता का मेल चेंज हो जाएगा जा में, यानी कि हमारा शब्द बनेगा जगत, जगत जननी। क्या है साथियों? जगत जननी। तो
देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं, कल और एग्जांपल सत धन जन, यानी कि क्या बनेगा हमारा सत धन जन, तो ता का में चेंज हो जाएगा जा में, यानी कि सत जन, सत क्या निकल कर आएगा हमारा सत जन। तो ये हमारे जाके, अब हम लेते हैं टा से संबंधित नियम। देखिए तो देखिए हम ता का नियम लेते हैं, ता तो जैसे हम लिखते हैं व्रत धन टीका, क्या है हमारा व्रत धन टीका, ताका में जब ता से होगा तो क्या होगा ता तैन परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बृहत बृहत टीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बृहत टीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब जैसे डाकी में बात करूं तो उत धन डयन, उत धन डयन, उत धन डयन, तो देखिए हमारा शब्द क्या बनेगा उडयन, क्या बनेगा साथियों उडयन, क्लियर। अब हम अगला जैसे लेटर ले रहे हैं, जैसे बात करते हैं उत धन लास, उत धन लास, क्लियर। तो ता का में जब लास होगा तो ता काय में चेंज हो जाएगा ला में, यानी कि उल लास, क्या होगा साथियों उल लास। जैसे इधर ले ले रहा हूं मैं, कहीं उधर दिखाई नहीं दे, देखिए उत धन लेख, क्या है उत धन लेख, ताका में जब लास होगा तो ताका में चेंज होगा ला में, यानी कि उल्लेख, क्योंकि ये वर्ण आधा तो ये भी हमारा क्या रहेगा आधा। तो ये ताका एक नियम था, अगला देखते हैं। तो देखिए ताकि कुछ महत्वपूर्ण दो और हैं, मतलब हमारे दो नियम और हैं। देखिए ताका मेल एक तो सा से होता है और ताका मेल एक किससे होता है हमारा हा से होता है, क्लियर। जब ताका मेल जब सा से होगा तो ताल चेंज होगा हमारा छ में और शय किसमें चेंज हो जाता है छ में, क्लियर। ताका में जब सा से होगा तो ताल जो परिवर्तित होगा, अब इस कंडीशन में दोनों वर्ड आपके परिवर्तित होंगे, ताल होगा वो छ में और सा काय में होगा छ में। इसी तरह से ताका में जब हा से होगा तो ता काय में होगा साथियों धा में और हा काय में हो जाएगा ये धा, क्लियर। यानी कि हा जो होगा हमारा वो किसमें होगा धा में और तय किसमें होगा दय में। इसी तरह से ता यहाँ पर छ में होगा और ता यहाँ पर क्या होगा छह, सह किसमें हो जाएगा छह, क्लियर। तो दोनों नियम, तो देखिए हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। उत धन श्वास, तो देखिए यहां पर लिखा है हमारा उत धन श्वास, यानी कि ता किसमें चेंज होगा छह में और सा किसमें होगा छह में। तो यहां पर देखिए हमारा जो वर्ड निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा उच्छ्वास, क्या निकल कर आएगा उच्छ्वास। इसी तरह से हम बात करेंगे, देखिए और लेते हैं एक एग्जांपल सत धन शास्त्र, क्या है सत धन शास्त्र, तो तय किसमें चेंज होगा छ में, इसकी जगह क्या हो जाएगा छ और स की जगह क्या होगा छ, ठीक है। तो देखिए यहां पर होगा हमारा सत शास्त्र, ठीक है क्या होगा सत शास्त्र। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिए ता और हा का नियम देखते हैं, तो ये इसके एग्जांपल से समझते हैं। तत धन हित, तो तय किसमें चेंज होगा हमारा दय में और है किसमें होगा दय में। तो देखिए यहां से हमारा जो वर्ड निकल कर आएगा वो क्या आएगा तदित, क्या आएगा साथियों तदित। इसी तरह से और एग्जांपल से समझते हैं। उत धन हार, क्या है उत धन हार, तो तय किसमें होगा दय में और है किसमें होगा धय में। तो देखिए यानी कि उत धार, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिखेंगे इसको उद्धार, क्लियर, क्या लिखेंगे हम उद्धार। तो ये था हमारा ता संबंधी नियम, अगला नियम देखते हैं। तो देखिए अगले नियम की हम बात करेंगे, पांचवा हमारा नियम आता है ना संबंधी, यानी कि ना से संबंधित नियम है। तो देखिए ना से संबंधित नियम क्या है, देखिए ना का किसमें परिवर्तन होता है साथियों, ना का अण में परिवर्तन होता है, कब होता है देखिए। तो यदि रिर से और रे के बाद यदि ना आ जाए, यानी कि इनका मेल रिर से और रा का मेल जब ना से होता है तो ना किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि हमारा ना चेंज होगा किसमें अण में हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे परि
धन ना, क्या है हमारा परिधन ना। तो यहां पर क्या होगा, रे का मेल ना से होगा तो न किसमें परिवर्तित होगा हमारा अणा में, यानी कि परिणा। क्या हो जाएगा साथियों, परिणा। जैसे पिर धन ना, क्या है पिर धन ना, तो पिर यानी कि प में रा है, ना के साथ होगा तो ना किसमें चेंज होगा, पिर णा। क्या हो जाएगा, पिर णा। क्लियर। अब और एग्जांपल से समझ ले रहे हैं, देखिए जैसे मैं बात करूं तो देखिए अगला एग्जाम्पल, तो देखिए अगले एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं भूस धन अन, तो देखिए स के बाद किसके इस्तेमाल हुआ, ना का, तो स के न किसमें होगा चेंज, अण में, यानी कि भू शन। आंसर मतलब क्या निकल आएगा हमारा, भू शन। इसी तरह से हमारा वर्ड रहता है राम धन आयन। क्लियर। तो देखिए ये हमारा विवादित क्वेश्चन है, अगर ये अगर हमारा व्यंजन संधि नहीं होगी तो यहाँ पर हमारी कौन सी होती, दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए छोटे आ का मेल किससे हो रहा है, आ से, और यहाँ पर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा प्राप्त होता है, वरना ला का ला के साथ क्या है ना, तो यहाँ पर हमारा न किसमें चेंज होगा, आ में, जिसकी रा मा या। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा विवादित रहता है, अगर दोनों एक साथ रहती हैं तो हमें व्यंजन संधि लगानी है, और अगर व्यंजन संधि नहीं है तो हमारी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला नियम हम लेते हैं, अगला है हमारा मां से संबंधित, मां संबंधी नियम। तो देखिए मां का नियम भी हमारे ताके नियम की तरह थोड़ा सा बड़ा है, देखिए ध्यान से देखिए मां संबंधी नियम। तो अब मां संबंधी नियम क्या कहता है, देखिए मां का मेल का से लेकर के मां तक के, मां का मेल का से लेकर के मां तक किसी भी वर्ण से होता है, यदि मां का मेल का से लेकर के मां तक के किसी वर्ण के साथ होता है तो मां उसी वर्ग के पंचमा अक्षर, यानी कि पंचमा अक्षर में चेंज हो जाता है, यानी कि नासिक वर्ण। तो जैसे हम बात करेंगे, जैसे परम, तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं परम धन तू। तो देखिए जब मां का मेल किसके साथ हो रहा है, ताके साथ, तो मां परिवर्तित होगा ताके पंचमा अक्षर में, यानी कि ता का पांचवा अक्षर क्या होगा हमारा, ना होगा। तो देखिए हमारा जो शब्द निकल का आएगा परंतु, क्या आएगा परंतु। इसी तरह से हम और वर्ण लेते हैं, यानी कि सम धन पूर्ण, क्या है सम धन पूर्ण। तो देखिए मां का मेल जब पासे होगा तो पा का पंचवा अक्षर यानी कि क्या होगा हमारा, मा ही होगा, पा फा बा भा मा। तो देखिए क्या होगा हमारा सम धन पूर्ण, तो मां यानी कि पंचमा अक्षर, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं संपूर्ण, क्या लिखेंगे संपूर्ण, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं संपूर्ण। क्लियर। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सम धन कलम, क्या है सम धन कलम। तो का से जब मेल हुआ तो मां किसमें परिवर्तित होगा, अणा होगा, यानी कि संकलन, क्या होगा संकलन, और संकलन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं संकलन। क्लियर। तो देखिए अगला मां का नियम लेते हैं, तो देखिए अगला है मां का, मां का मेल जब हमारा अंतस्थ व्यंजन यानी कि या र ल व के साथ, या फिर ऊष्म व्यंजन यानी कि श श और श है के साथ। क्लियर। तो यहां पर ध्यान से देखिए मां का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन यानी कि या र ल व के साथ या ऊष्म व्यंजन स स स और ह के साथ अगर होता है तो मां किसमें चेंज होगा, अनुस्वर में चेंज होगा, किसमें होगा अनुस्वर यानी कि अंकी जो बिंदी लगी रहती है उसमें चेंज हमारा हो जाएगा।
तो देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत बार पूछा जाता है संसार यानी कि सम धन सार, क्या है सम धन, तो माका में जब सा के साथ होगा तो अनुस्वर आ जाएगा यानी कि वर्ड बनेगा हमारा मा की जगह संसार, क्या हो जाएगा संसार। इसी तरह से हम दूसरा वर्ड लेते हैं सम धन विधान, क्या है सम धन विधान, क्लियर। तो माका में जब वासे होगा कहां पहुंच गए अब हम, देखिए अंतस्थ व्यंजन के साथ हो रहा है, अभी किसके साथ हुआ था उष्म व्यंजन के साथ हुआ था, अब हमारा किसके साथ हो रहा है अंतस्थ व्यंजन के, तो ये वर्ड बनेगा हमारा शम विधान, क्या बनेगा शम विधान। तो अब देखिए ये है हमारा मा का एक नियम, और एक और है छोटा सा मा का नियम, तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए यदि मा का मेल मा के साथ होता है, मा का मेल यदि मा से होता है तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों रहता है। देखिए जैसे शम धन मान, क्या है शब्द हमारा सम धन मान, तो यहां पर देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यानी कि वर्ड निकल कर आएगा सम मान, पहले वाला मान आधा है। इसी तरह से शम धन मति, शब्द क्या है हमारा सम धन मति, यानी कि मा का मेल जब मा से बोला तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और शब्द निकल कर आएगा हमारा सम्मति, शब्द क्या आएगा सम्मति। तो ये था साथियों मा का नियम। अगला नियम हम देखते हैं, देखिए अगला है हमारा सा से संबंधित नियम। अब देखिए सा से संबंधित नियम हमारा क्या है, तो सा संबंधी जो नियम है, देखिए हमारे सा का जो परिवर्तन होना है वो किसमें होना है सा में। अब देखिए किस तरह से होगा वो आपको देखना है। यदि सा से पहले, सा से पहले आ और आ को छोड़कर यानी कि छोटे और बड़े आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए, क्लियर, तो वहां पर क्या होगा हमारा सा किसमें चेंज हो जाएगा शा में चेंज हो जाएगा। यानी कि सा से पहले आप इस तरह से याद रखोगे, सा से पहले यदि कहीं स्वर आपको दिखाई दे तो सा काय में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले शा में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अभी धन शेख, तो देखिए यहां पर ई की मात्रा का मेल किससे, ई का मेल किससे हो रहा है सा से, तो वर्ड हमारा निकल कर आएगा अभी शेख, क्लियर। इसी तरह से हम शब्द लेते हैं शु धन शम, क्या है सु धन शम, तो ऊ का मेल किससे हो रहा है सा से, तो शब्द निकल कर आएगा हमारा शु शम, क्या निकल कर आएगा शु सम। इसी तरह से हम और लेते हैं वी धन शम, ई का मेल जब सा से होगा तो शब्द हमारा क्या बनेगा वी शम, क्या बनेगा विषम। तो साथियों ये थी हमारी व्यंजन संधि, और जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पहले तीन नियम व्यंजन संधि के मैंने पहली क्लास में और ये हमारी दूसरी क्लास है व्यंजन संधि की। तो ये थे हमारी व्यंजन संधि, आगे हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, उसके बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे। धन्यवाद।